हेलो, वेलकम टू एडी नेक्टर। मेरा नाम है शोएब और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना, क्लास 10 का पॉलीनोमियल। इससे पहले आप लोगों को रियल नंबर पढ़ा चुके हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम आए आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम करेंगे कोई ना कोई सेशन, अभी फिलहाल पॉलीनोमियल शुरू करते हैं। तो 9th क्लास में भी हम पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 ही पॉलीनोमियल था और यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 ही पॉलीनोमियल है। तो सबसे पहले पॉलीनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो 9th क्लास में आप लोगों ने सबने सीखा कि पॉलीनोमियल की क्या डेफिनेशन है, उसको तरह तरह से इसको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये सारी चीज़ें शायद मैं बताऊं तो टाइम ख़राब होगा, मैं इसमें इस चीज़ सारी चीज़ को बहुत जल्दी कवर अप कर लेता हूं, क्योंकि आगे जो अब हमें नया सीखना है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जो 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या कि आपकी पॉलीनोमियल की क्या डेफिनेशन है। तो एनी एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट वेरिएबल कॉन्स्टेंट टर्म कोफिशियंट्स एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन होल नंबर, देन दैट एक्सप्रेशन विल बी नोन एज पॉलीनोमियल। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके कॉन्स्टेंट टर्म होंगे और वेरिएबल्स होंगे, कोफिशियंट्स होंगे, और साथ ही साथ जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी होल नंबर में होगी, तब हम ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, एक पॉलीनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें देख सकते हैं, अ पॉलीनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वेरिएबल्स कोफिशियंट्स दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसमें जो मेन चीज है वो नहीं लिखी रही है, वो मैं लिख देता हूं यहां कि पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इन होल नंबर। तो ये सारी चीज़ें तो पता है कि भाई कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी आपकी इक्वेशन है तो उसमें ये सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है। उसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे, उसके अंदर कोफिशियंट्स भी होंगे, उसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी होंगे, साथ ही साथ वो किसी ना किसी ऑपरेशन पे काम कर रहा होगा, या तो उस पर एडिशन का ऑपरेशन लग रहा होगा, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग रहा होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है आपको पता करने वाली वो ये कि जो पावर है वेरिएबल की वो आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। अगर आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर में है तब तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल कह सकते हैं, अदरवाइज आप उस एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल नहीं कह सकते। सर मेरे कुछ बात समझ में नहीं आई। चलिए अब हमने एक एग्जांपल ले ली, इसमें एक एक्सप्रेशन ले लिया 8x² - 5x + k6। यहां पर देख रहे हैं पहले टर्म के अंदर जो वेरिएबल है दैट इज x, सेकंड टर्म के अंदर भी वेरिएबल x है, थर्ड टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल के साथ होते हैं अब क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो यहां पर 8 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और यहां पर जो -k5 है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्योंकि दो तरह के पावर है वेरिएबल पे, एक पे पावर है 2 और दूसरे वाले वेरिएबल पे पावर 1 है, हालांकि वेरिएबल एक ही है x, लेकिन पावर अलग अलग है, तो इसलिए हमें कोफिशियंट भी अलग अलग डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कोफिशियंट ऑफ x व्हाट, कोफिशियंट ऑफ x² कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x³। तो जिस पे पावर आ रही है उसके आपको अकॉर्डिंगली इसको कोफिशियंट को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 इज द कोफिशियंट ऑफ x² एंड सेकंड 1 - 5 इज द कोफिशियंट ऑफ x। तो इसमें सारे की सारी चीजें आ रही हैं, कोफिशियंट आ रहा है, वेरिएबल आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म आ रहे हैं। अब जो मेन चीज है वो ये कि अब वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, व्हाट इज होल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज होल नंबर। तो होल नंबर में देखिए सबको पता है, 10th क्लास में आ चुके हैं कि all the counting numbers including zero, सारे के सारे counting number कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4। हम किसी भी चीज को count करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 से 2 से। कोई भी चीज कहें कि भाई आपके पास कितने पेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से गिनना शुरू कर दें। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, देन
विल काउंट वन बाय वन, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं के काउंटिंग नंबर के साथ अगर आप उसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, उन्हीं काउंटिंग नंबर के साथ अगर आप उसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो सारे के सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए पॉलिनोमियल बनने के लिए, तो यहाँ पहले टर्म पे वेरिएबल की पावर है टू, सेकेंड टर्म पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ वन होगी। तो आप देखते हैं कि पहले टर्म पे वेरिएबल की पावर भी होल नंबर में है और सेकंड टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर भी होल नंबर में है, तो इसका मतलब आपका ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए, अब बात ये कर लेते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये आपका वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल, ये कोफिशियंट ऑफ x, ये कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। तो अब आप देखेंगे आपसे पूछे जाए कि इज दिस अ पॉलीनोमियल और नॉट, देन यू विल सी द पावर ऑफ द होल नंबर। अब आप पहले वाले टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर देखेंगे, आपको देखने को मिल रहा है 2, तो जो 2 है वो क्या है, होल नंबर है, यस। सेकंड टर्म में वेरिएबल जो है x, उसके ऊपर पावर देखेंगे, वहां कोई पावर नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है कि जब वहां कोई पावर नहीं, इसका मतलब वहां पावर कितनी रही होगी, 1। तो इस तरीके से दोनों ही टर्म के अंदर, पहले टर्म के अंदर पावर 2 है वेरिएबल पे, दूसरे टर्म के अंदर पावर वेरिएबल पे 1 है, तो इसलिए दोनों ही आपके होल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा। वहीं अगर मैं कह दूं 3x स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 7, तो आपसे जाए कि भाई ये बताइए जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर भी तो वेरिएबल आ रहे हैं, कोफिशिएंट आ रहे हैं, कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि इसको बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो शायद बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे कि x के ऊपर पावर 2 है यानी कि होल नंबर है, y के ऊपर पावर 1 है यानी कि होल नंबर है, तो हाँ भाई हाँ ये पॉलिनोमियल है, तो लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो x स्क्वायर है, जो x स्क्वायर है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको न्यूमिनेटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x की पावर -2 प्लस के 5y प्लस के 7, ठीक है ना। तो x की पावर -2, ये x ऊपर जाते ही पावर, जो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर में लाएं किसी भी टर्म को, या डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में लेके चले जाएं, तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। उसी तरीके से हम डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर में लेके जा रहे हैं x स्क्वायर को, तो अब वो x स्क्वायर नहीं बल्कि x की पावर -2 बन जाएगा ऊपर जाते जाते। अब आप देखिए क्या अभी भी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है, तो आप देखेंगे पहले वाले टर्म के अंदर जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी -2 है, और सेकंड वाले वेरिएबल में आपकी पावर 1 है, तो सेकंड वाले टर्म में तो आपका वेरिएबल की पावर होल नंबर में आ चुका है, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी इंटीजर फॉर्म में आ चुकी है, नेगेटिव इंटीजर, और हमारी कंडीशन ये है कि पावर शुड बी इन होल नंबर। अगर होल नंबर में है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करने के लिए दे दिया जाए कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट, देन यू कैन इजीली क्लासिफाई द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। Anyway, the classification of polynomial on the basis of the degree, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आपको polynomial को classify दो तरीके से किया जाता है, on the basis of degree and on the basis of number of terms. अब what is degree and what is power? क्या पावर और डिग्री दोनों सेम चीज हैं? क्या पावर और डिग्री दोनों सेम चीज हैं कि अलग अलग चीज हैं? सबसे बड़ा सवाल। तो बेटा पावर और डिग्री दोनों एकदम अलग अलग चीज हैं, एकदम अलग अलग, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो पावर की हम बात करते हैं और जो डिग्री की बात करते हैं, तो पावर की बात मैं बताऊं, अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 8x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ तीन टर्म है, तो मैं देखूंगा कि x पे पावर कितनी है पहले टर्म के अंदर, दूसरे टर्म में x पे पावर कितनी है, और तीसरे टर्म में x तो है ही नहीं तो पावर क्या देखूंगा। तो इस तरीके से जब पावर की बात करते हैं तो आप इंडिविजुअली अलग अलग हर टर्म की पावर देखते हैं वेरिएबल पे, हर टर्म की अलग अलग वेरिएबल पे पावर देखते हैं, जो एक्सपोनेंट फॉर्म देखते हैं, जो आपका वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट फॉर्म होती है उसको पावर बोलते हैं। तो हर
टर्म की अलग अलग आप पावर देखेंगे, लेकिन जो बात है डिग्री की, तो डिग्री क्या है, व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री जो है वो क्या है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे आपसे पावर की कहा जा रहा है, तो आप फर्स्ट टर्म की पावर बता रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल ही नहीं है। तो डिग्री आपको ऐसे 1 by 1 टर्म बाय टर्म नहीं बताना, बल्कि पूरे होल पॉलीनोमियल के लिए, पूरे के पूरे पॉलीनोमियल के सिर्फ एक ही डिग्री होती है। जैसे कि वो क्या होती है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हो उसके अंदर 4 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, 6 आ रहे हो, 3 आ रहे हो या 2 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो, तो उन सभी नंबर ऑफ टर्म्स में जो सबसे ज्यादा पावर होगी, जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल पे, वही आपका डिग्री कहलाएगा उस पूरे पॉलीनोमियल के लिए। तो देखें, पहले टर्म पे पावर 2, दूसरे टर्म पे वेरिएबल की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के लिए जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। सपोज कोई और एक्सप्रेशन आपने ले लिया, 3x² + 5x³ + 7x + 8, तो यहां पर आप देखेंगे पहले टर्म पे वेरिएबल की पावर 2, दूसरे टर्म पे वेरिएबल की पावर 3, तीसरे टर्म पे वेरिएबल की पावर 1 एंड चौथे टर्म पे वेरिएबल है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे पॉलीनोमियल की वो क्या है, वो है 3। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो आपकी डिग्री रहेगी इस पॉलीनोमियल की, वो डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहने वाली है। इसी तरीके से अगर कोई और एक्सप्रेशन है, x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस के 3x प्लस के 7, तो यहाँ पहले वाले टर्म पे पावर 4, दूसरे वाले टर्म पे 3, तीसरे वाले टर्म पे 1 ही रहेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है पूरे पॉलीनोमियल पे, 4। तो इसलिए आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। तो इसी डिग्री के बाद हमें समझ में आ चुकी है कि डिग्री किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पॉलीनोमियल में देखेंगे, अगर किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है, अगर किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। सर ये कौन सा पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री 1 आ गई, तो देखो भाई 3x + 5 इज इक्वल टू 8। मैं अगर ले लेता हूं एक लीनियर, एक इक्वेशन मैंने ले ली, तो वहां देखेंगे आप, यहां पे x की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1। तो यानी कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1। जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, डिग्री, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। तो इस तरह की कोई भी और भी बहुत सारी है, 3x इसे मैं पॉलीनोमियल कह दे रहा हूं, 4x + 5, तो ये देख रहे हैं सब पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 जा रही है, तो ये सारे के सारे लीनियर पॉलीनोमियल या लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब जब भी कभी आपके पास ऐसा पॉलीनोमियल आ जाए जिसमें डिग्री 1 होती है, तो उसे हम लीनियर पॉलीनोमियल में क्लासिफाई कर देते हैं। और वहीं अगर आपके पास एक ऐसा पॉलीनोमियल आ जाए जिसकी डिग्री 2 होती है, अगर ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सपोज 8x² + 5x + 7, 8x² + 5x + 7, पहले टर्म पे वेरिएबल की पावर 2, दूसरे टर्म पे वेरिएबल की पावर 1, तीसरे टर्म पे वेरिएबल ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर आ गई आपकी 2। तो इसका मतलब जब हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री 2 है, और जब इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। वहीं अगर पॉलीनोमियल ऐसा आ जाए जिसकी डिग्री 3 हो, सपोज मैंने कोई एक्सप्रेशन ले लिया 3x² + 5x³ + 4x + 7, तो यहां देखेंगे पहले टर्म पे वेरिएबल की पावर 2, दूसरे टर्म पे वेरिएबल की पावर 3, तीसरे टर्म पे वेरिएबल की पावर 1, और चौथे टर्म पे वेरिएबल ही नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर आपकी है इस पूरे के पूरे पॉलीनोमियल में, वो 3 है, और हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। और जब इस पॉलीनोमियल की डिग्री 3 है, तो हम इस पॉलीनोमियल को एक खास नाम दे देते हैं, एंड दैट नेम इज क्यूबिक पॉलीनोमियल। दैट नेम इज क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इस तरीके से इन्होंने
आपको तीनों चीजें बता दी मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल कब कहेंगे, क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, क्यूबिक कब कहेंगे। नीचे लिखा हुआ भी यही चीज बिल्कुल, क्यूबिक के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में, लीनियर के बारे में। एक और चीज होती है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल ही ना हो, जिसके अंदर वेरिएबल ही ना हो, सारे सिर्फ कॉन्स्टेंट हो, सपोज 2, 3, 5, तो ये सब भी एक तरह से पॉलिनोमियल है। हालांकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ना कोई कोफिशियंट है, सारे के सारे कॉन्स्टेंट टर्म आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये आपके पॉलिनोमियल कहलाएंगे। कौन से पॉलिनोमियल कहलाएंगे? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये बात जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर दी अपना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अब देखेंगे हम, देखो भाई, जिस इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ टर्म है, 4x2, बस, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर दो नंबर ऑफ टर्म्स है, 5x2 माइनस के 4x। नंबर ऑफ टर्म्स कब बदलते, किसी के जहन में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा 4 और x2 दो टर्म्स है, एक 4 और 1 x2, और यहां पर नीचे चार टर्म हो जाएंगे, 5 फिर x2 फिर माइनस के 4 फिर माइनस के x। अगर किसी के जहन में ऐसा आ रहा है तो गलत आ रहा है। सही तरीका क्या है सुन लो, जब भी कभी कोफिशियंट और वेरिएबल के बीच में, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लग रहा हो, चाहे वो डिवीजन का ऑपरेशन लग रहा हो, वो नंबर ऑफ टर्म्स एक ही कहलाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स तब तक नहीं बदलेगा जब तक के उस पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन ना लगे। जैसे ही उस पे एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग जाएगा, फौरन ही उसका नंबर ऑफ टर्म जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब जैसे कि यहां देखो, ये 4x2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही नंबर ऑफ टर्म्स रहने वाले हैं। नीचे देखेंगे 5x2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टर्म, लेकिन अगला ऑपरेशन कौन सा लग गया, माइनस का। तो इसका मतलब अब जो है वो ऑपरेशन चेंज हो गया, वो सॉरी टर्म्स जो है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर पहला टर्म, यहाँ दूसरा टर्म। इसी तरीके से तीसरे में देखा 3y2 फिर प्लस आ गया, तो इसका मतलब टर्म चेंज हो गया। 5y फिर माइनस आ गया, तो इसका मतलब फिर से टर्म चेंज हो गया, माइनस वाले 2। तो इस तरीके से तीन टर्म है, तो ठीक है ना। जिसमें आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगा, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, एंड दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में आपके दो टर्म होंगे, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल मींस दो टर्म वाला। इसी तरीके से जिस पॉलिनोमियल में तीन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एंड जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल में बस खाली या तो एक टर्म हो, या दो टर्म हो, या तीन टर्म हो, बहुत सारे टर्म भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, छह भी, कुछ भी, लेकिन हम जो जनरली आपको तीन टर्म के बारे में देखेंगे तो वहां क्लासिफाई कर सकते हैं। नाइन्थ क्लास तक था ये, अभी तक कुछ है ही नहीं। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर चार या चार से ज्यादा अगर टर्म आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई खास नाम नहीं दे रखा उन्होंने, बस खाली उसको फिर हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशियंट्स। जीरो, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, व्हाट इज जीरो या व्हाट आर जीरोस। अभी हम पढ़ रहे थे भाई लीनियर पॉलिनोमियल या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर आपका हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है थ्री एक्स प्लस के 7, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x + 4x + 8, या क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ + 7x² + 5x + 2। इस तरीके से आपके पास तीन तरह से पॉलिनोमियल है। तो यहां पर ये क्या है, ये जो x है ना, उसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, x की अगर आप ढूंढने निकले भाई के बताओ इसमें x की क्या, ये तो अभी तो पॉलिनोमियल, इसको इक्वेशन बना दें अगर सबको हम जीरो के बराबर रख के, इन सारे एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन बना दें जीरो के बराबर रख के, तो यहां से एक्स की क्या वैल्यू निकलेगी। तो कोई भी कहेगा भाई 3x + 7 = 0, देन x = -7/3, बस x की यही एक वैल्यू पॉसिबल है। तो लीनियर इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल होता है वहां सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होती है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होती है। लेकिन जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो यहां पर x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, x की दो वैल्यूज x1 एंड x2। इसी तरीके से
जब आप क्यूबिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की आपके पास तीन इक्वेशन तीन वैल्यूज आएंगी, x1 एंड x2 एंड x3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और x की तीन वैल्यू आएंगी क्यूबिक के लिए और x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी लीनियर के लिए। ये क्या आ रहे हैं? आंसर्स आ रहे हैं। जब भी कभी हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, जब भी कभी हम क्यूबिक को सॉल्व करने बैठेंगे हमारे पास तीन आंसर आएंगे, जब भी कभी हम लीनियर को सॉल्व करने बैठेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा। चलिए, तो उसके बाद मैं जीरोस बताने वाला था। जीरोस क्या होते हैं? तो जीरोस क्या होते हैं वो चेक देख लो कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, जिस पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, सपोज 3x + k 8 है, एक ही आपका पॉलिनोमियल है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो एक होंगे और क्वाड्रेटिक होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस दो होंगे, क्यूबिक होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू लेकर आओ ढूंढ कर जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिस पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हमें नहीं पता, हम अब फाइंड आउट करते हैं तो इसको जीरो के बराबर रख लेते हैं तो फाइनली 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/3। अब आप पुट करके देखो, 3 × x, x की जगह क्या रखेंगे, -8/3 और +k 8, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, -8 + 8 = तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, -k 8/3। यानी कि x की या y की या z की जो भी वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल के पास है उसकी वो वैल्यू आप दे रहे हैं जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होंगे और क्यूबिक में तीन जीरोस, यानी कि x की वैल्यू दो ऐसी पॉसिबल होंगी कि जिनको अगर आप रखेंगे, जिनको अगर आप x की जगह पर रख देंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो कहलाएगा। 3x² + k 5x + k 3। यहां पर x की कोई ना कोई दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं, कोई ना कोई दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल हैं जिस पर अगर आप x की वैल्यू वो रखते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए कैसे जीरो हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मेरे पास ये 3x² + k 5x + k 3, तो 3 और 3 9 मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो ऐसा कोई नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए? चलिए मैं इसको आसानी के लिए अभी फिलहाल आसानी के लिए 2 ले लेता हूँ, अभी तो फिलहाल समझा ही रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 2 6। ऐसा कोई दो नंबर ढूंढिए, मिडिल टर्म करना आता ही है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सबसे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 आया। फिर हम दो अपने पास से ऐसे नंबर देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो बीच वाला टर्म यानी कि 5 आ जाए। तो 3 × 6 और 3 + 2 = 5। तो ये जो आपका टूटेगा किसमें टूटेगा, 3x² और +k 2, तो ऐसे ही रहेंगे। 5x किसमें टूट जाएगा, 3x + k 2x। यहां से आपका 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x + k 1, और यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x + k 1। तो फिर दोबारा से x + 1 जो है आपका कॉमन आ गया, तो इस पूरे में से जब x + 1 बाहर आ गया तो 3x बचा, इस पूरे में से जब x + 1 बाहर आ गया तो 2 बचा। तो x + 1 को 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी -k 1, और इधर 3x + 2 को 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी -k 2/3। तो मेरे पास अब x की दो वैल्यूज आ गई, मेरे पास x की अब दो वैल्यूज आ गई, वो कौन कौन सी, -1 और -2/3। जब मैं x की जगह पर -1 रखूंगा या x की जगह पर -2/3 रखूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। देखते हैं, देखो x की वैल्यू -1 रख दो तो क्या हो जाएगा, 3 × x² यानी कि -1² +k 5 × x यानी कि -1 और +k 2, तो -1² + 1 + 1 × 3 3 रहेगा,
प्लस के 5 इनटू माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस 5 और प्लस के 2 प्लस 2 और ये वाले प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 5 और माइनस के 5 कैंसिल होने के बाद 0। देखा आपने, यानी कि x की वैल्यू जैसी आपने माइनस 1 पुट करी आंसर कितना आ गया 0। इसी तरीके से अगर मैं जरूरी नहीं है सिर्फ इसी वैल्यू पे आंसर 0 आएगा, दूसरी एक और वैल्यू है मेरे पास -2/3। जब मैं -2/3 रखूंगा x 3 इनटू x का स्क्वायर यानी कि -2/3 का स्क्वायर और फिर है उसके बाद प्लस के 5x और x की जगह माइनस के 2/3 और प्लस के 2, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आने वाला है, देखो 3 इंटू माइनस माइनस 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आएगा, क्योंकि प्लस का आएगा क्योंकि पावर इवन में है। इसी तरीके से प्लस का 5 और माइनस 2/3 करेंगे तो माइनस के 10/3 आ जाएगा और प्लस के 2, तो ये आंसर कितना होगा 3/4 12/9 माइनस के 10/3 और प्लस के 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 4 12 तो 4/3 -10/3 और प्लस के 2। अब देखो 4/3 और माइनस के 10/3 दोनों में जो है डिनोमिनेटर सेम है तो 10 में से 4 गए, ये बचेंगे माइनस के 6/3 और प्लस के 2। अब माइनस के 6/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2 और प्लस के 2, ये कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर। तो देखा आपने इस तरीके से आपके पास क्वाड्रेटिक के अंदर दो ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिस पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्यूबिक के पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 ऐसी वैल्यू मौजूद हैं जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा और लीनियर के पास सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो नंबर वो बोल रहे थे ना जीरोज के बारे में कि भाई क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कोई वेरिएबल्स की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम वेरिएबल में रख पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो खास वैल्यूज जिस पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने पहले लीनियर इक्वेशन में पहला ढूंढा -8/3 आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ढूंढे तो -1 और -2/3 आया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी इसलिए 2 आए इसमें। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक्स की 3 वैल्यू आएंगी जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, यानी कि 3 जीरोस आएंगे, क्वाड्रेटिक में 2 ही जीरोस आएंगे और लीनियर में 1 जीरो आएगा। कोफिशिएंट्स के बारे में तो हमें पता ही है, वेरिएबल के साथ जो लगकर चल रहे होते हैं सारे के सारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। उसके बाद ये क्या है, अब यहाँ पर इन जनरल अल्फा इनटू बीटा एंड आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन एक्सेस का देन यू नो दैट एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस फैक्टर ऑफ देयर फोर वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए इन्होंने कंपेयरिंग करने के लिए हमसे बताया है कंपेयरिंग हम कैसे करते हैं, कंपेयरिंग कैसे करते हैं, हाउ कैन वी कंपेयर, हाउ कैन वी कंपेयर अवर आंसर एंड योर क्वेश्चंस, कंपेयर कंपेयर कैसे करेंगे। सपोज आपके सामने कुछ ऐसा दे रखा है, आपके सामने पूरा कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपके पास आंसर आया क्या कि 3 प्लस के 8 के एक्स स्क्वायर प्लस के 7 प्लस के 8 के एक्स और प्लस के 9 माइनस के 3, इस तरीके से एक आंसर आया और एक आंसर आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि मेरा ये किसी चीज को मैंने सॉल्व किया और ये आंसर आया, वही आंसर किताब में कुछ इस तरीके से दे रखा हो सकता है कि 8x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 6, चलो इसको भी मैं 6 ही कर दे रहा हूं फिलहाल, इस तरीके से मेरे पास आंसर दे रखा है तो मैं देखूंगा कि आंसर तो एक ही है जो मैं ये निकाल कर लाया हूं और ये क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन में आंसर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई के की क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आप क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, एक आंसर आप निकाल लाए, एक आंसर आपको क्वेश्चन की तरफ से मौजूद होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएबल दे रखा होता है जिसमें क्वेश्चन को उसकी वैल्यू चाहिए होती है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑन कंपेयरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हमें दोनों तरफ कंपेयर करवाना होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है पहला एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म में वेरिएबल है एक्स और तीसरा टर्म तो खैर कांस्टेंट है। उसी तरीके से जो आंसर आपका एग्जैक्ट दे रखा है क्वेश्चन में उसमें भी आप देखेंगे तो पहले टर्म में वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, दूसरे टर्म में वेरिएबल है एक्स और तीसरे टर्म में वही कांस्टेंट टर्म है।
तो आप क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग में वेरिएबल्स के कोफिशियंट को आप बराबर करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ पूरा का पूरा कोफिशियंट क्या है, 3+8 के, और उधर जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 8। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा आंसर आपका, आंसर आपका हो जाएगा 8k = 8, और प्लस का 3 इधर जाके माइनस के 3। यहाँ पे k की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ, l ले लिए सपोज, ठीक है। 3+8k = 8, तो 8 - 3, तो 8k = 5, देन k = 5/8। तो देखा आपने कि मेरा k की वैल्यू आ गई 5/8। वहीं अगर मैं देखूं कि दूसरा जो टर्म है x वाला, और यहां पर भी x वाला है, तो इस वाले x के साथ आपका कोफिशियंट है 7+8l, और उधर है आपका कोफिशियंट 7, तो आप 7+8l जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, 7 के। यहां से 7 से 7 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 8l = 0, देन l = 0, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। देख लो, जब आप यहाँ k की वैल्यू 5/8 रखेंगे, तो 3+8k, यानी कि 3+8, और k की जगह रखेंगे आप 5/8, तो 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या हो गया, 3+k = 8, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 8, और वही तो हमारा आंसर है 8, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, जब l की वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर, तो 7+8 × 0, 7+8 × 0 यानी कि 0, 7+7x हो जाएगा, उधर भी तो 7x ही आ रहा है। तो इस तरीके से ऑन कंपेयरिंग करके भी आप, इस तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, खैर इसमें भी परेशान मत होइए, इस तरीके के क्वेश्चन हम कंपेयर करके करेंगे, तब आपको दिखाएंगे कैसे कंपैरिजन क्वेश्चन में अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए, तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि एक आपका ग्राफ है, देखो ग्राफ जो आपके सबसे पहली 2.1 एक्सरसाइज से ही इसको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2.1 एक्सरसाइज से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे ग्राफ पे ही बेस्ड होंगे आपके एनसीईआरटी में। जब एनसीईआरटी में आप ग्राफ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पे ये जो देखो हर चीज का एक, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, सपोज हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा, जब आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, 9th क्लास में आपने किया भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे आपने, जब उसको ड्रॉ कर रहे थे ग्राफ पे, तो लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसी आती है, स्ट्रेट आती है। लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसी आती है, या तो स्ट्रेट आती है, इस तरीके से आ सकती है, इस तरीके से आ सकती है, इस तरीके से आ सकती है, ये आपका हो गया क्या एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। लेकिन जो ग्रीन वाली चीजें दिख रही है आपकी, वो आपकी क्या है, लाइंस है। इसकी कुछ इक्वेशन होती है कि 3x + 7 = कुछ आ गया, इसकी कुछ और इक्वेशन होगी, इसकी कुछ और इक्वेशन। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा, एक बात और रह गई बताने से, जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, सपोज x का ग्राफ चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो भी लाइन आएगी वो x और y को सिर्फ एक ही जगह पे काट रही होगी, यानी कि x की और y की सिर्फ मैक्सिमम एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। देख रहे हो आप कि y को भी एक ही जगह काटना है, x को भी एक ही जगह। अगर आपके दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है x और y, तो वहां पर x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू पॉसिबल है, बस x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू पॉसिबल है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाएं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है बेटा। तो यहां देखेंगे आप, x की दो वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, एक ये और एक ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्यूबिक की देखें, तो वो x को तीन जगह काटता हुआ चला जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से आपकी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। खैर, तो ये एक इस तरह का ग्राफ है, तो बस आपसे पूछा ये जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि द ग्राफ जो है वो आपका वाई है, वाई ग्राफ है जो कि बराबर है पी एक्स के, वाई ग्राफ है जो कि बराबर है पी एक्स के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि आपका जो y है वो जीरो कब होगा, y जो है वो आपका जीरो कब कब होगा। देखो एक बात बताओ,
अगर देखो मेरी कोई भी वैल्यू यहाँ आ रही है तो यहाँ पर x की वैल्यू तो निगेटिव है लेकिन y की वैल्यू जीरो, यहाँ आ रही है तो x की वैल्यू निगेटिव y की वैल्यू जीरो, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू जीरो, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू जीरो। लेकिन अगर मैं y एक्सिस पे बनाता हूँ यहाँ तब y की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी लेकिन x जीरो हो जाएगा, यहाँ बनाता हूँ तब भी आपकी y की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी x जीरो हो जाएगा, यहाँ बनाता हूँ तो y की कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी लेकिन x जीरो होगा। मगर जब भी कभी मैं क्वाड्रेंट्स के अंदर कोई भी पॉइंट डिनोट करता हूँ तब वहां पर जैसे इस पॉइंट की देखूं तो देखो x की वैल्यू ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये, इस पॉइंट के लिए x की ये वैल्यू हो जाएगी y की ये वैल्यू, इस पॉइंट के लिए x की ये वैल्यू y की ये वैल्यू, इस पॉइंट के लिए x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू, तो हर पॉइंट के लिए x की और y की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी जब आपका पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। लेकिन जब कोई वही पॉइंट आपका एक्सिस पर आ जाता है तो क्या होता है, जिस एक्सिस पर आएगा वो जैसे y एक्सिस पर आ रहा है तो सिर्फ y की ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी x जीरो हो जाएगा, और x एक्सिस पर आ रहा होगा तो x की ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी y जीरो हो जाएगा। तो बस ये एक कहना ये चाह रहा हूं, जो आपका पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी एक्स, y is equal to px, तो यहां पर y कब जीरो होगा, y कब जीरो होगा, x एक्सिस पर जीरो होगा। तो देखो एक बार इस पॉइंट पर y जीरो हो जाएगा, एक बार इस पॉइंट पर y जीरो हो जाएगा, एक बार इस पॉइंट पर y जीरो हो जाएगा और एक बार इस पॉइंट पर y जीरो हो जाएगा। ये जो y है वो जीरो कब कब होगा, इन चार पॉइंट पर होगा। तो भाई यही पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, जो पॉलिनोमियल x है उसके कितने जीरोज पॉसिबल हैं, एक दो तीन चार। वहीं अगर उल्टा हो जाता ये इस तरीके से दे रखा होता x is equal to py, x is equal to py दे रखा होता तब क्या करते हम कि x जीरो कहां पर हो रहा है, तो x जीरो कहां पर हो रहा होगा, y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर सिर्फ एक ही जगह से कट रहा है, y एक्सिस पर सिर्फ एक ही जगह से कट रही है लाइन हमारी, तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोस वन आ जाएंगे लेकिन ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ जीरोस फोर आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कोई ग्राफ दे दिया आपको और इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से कर दी, ये और ये, तो अब बताओ y जीरो कहाँ कहाँ हो रहा होगा, y जीरो यहाँ हो रहा होगा यहाँ, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस दो हैं। कोई और इक्वेशन ले ली आपके पास से और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से कर दी उन्होंने ये, ठीक है, तो यहाँ पर y जीरो कहाँ हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके वन आ गए। तो ये देखना बहुत आसान हो जाता है, कर लीजिएगा आपके 2.1 एक्सरसाइज में सब यही है कि जहां जहां y जीरो हो रहा हो वो पॉइंट देख लीजिए कितने पॉइंट हो, y जीरो कहां हो रहा होगा, x एक्सिस पर, तो लाइन जहां जहां से x एक्सिस पर कट कर रही होगी, लाइन जहां जहां से x एक्सिस पर कट कर रही होगी वही आपके नंबर ऑफ जीरोस हैं। x एक्सिस पर यहां कट करा, यहां कट करा, यहां कट करा, यहां तो चार जीरो हो गए। कुछ और क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं तो देख लीजिए x एक्सिस पर कितनी जगह कट करा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ जीरो 6 हो जाएंगे। तो भाई ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।